पे बात करेंगे वो है OTDR यानी ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि OTDR है क्या, OTDR काम किस तरीके से करता है, OTDR के वर्किंग ब्लॉक डायग्राम क्या है, फिर हम देखेंगे कि भाई OTDR का जो ग्राफ बनता है उसके ऊपर उसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं और उसमें हमें OTDR क्या क्या लॉसेस बताता है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करके हमें देता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे डेड जोन का क्या कॉन्सेप्ट है, इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आपसे ये लाजमी कहूँगा कि यार अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग का आइडिया नहीं है तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है जो मेरा चैनल Academy-khi इस पर जाके आप सर्च करो ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग या कुछ भी ऑप्टिकल फाइबर खाली लिख दोगे तो वीडियो आ जाएगी, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग बताई है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि यार फाइबर के अंदर लाइट किस तरह ट्रांसमिट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, जिससे मैंने आगे लिखा हुआ कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है या रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो OTDR की बेसिक वर्किंग या वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन चीज़ों को समझ लेना, ये वीडियो ऑलरेडी बना के मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, यही खाली वर्ड लिख के सर्च करोगे तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ऑप्टिकल निकला है ऑप्टिक्स से यानी लाइट, टाइम डोमेन से मुराद क्या है, टाइम डोमेन से मुराद ये है कि कोई भी काम आप किसी खास लिमिटेड टाइम के अंदर करते हो, यानी किसी मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको मैं एक काम असाइन करता हूँ कि भाई आपने ये काम करना है 5 मिनट के अंदर, दूसरे शख्स को एक काम मैं असाइन करता हूँ कि भाई तुमने ये काम करना है 10 मिनट के अंदर, लेकिन एक तीसरा शख्स आया था उसको मैं बोलता हूँ भाई जब तक दिल चाहे काम करो आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो जो शख्स थे, पहले दो पर्सन थे, उनको मैंने टाइम बाउंडेड कर दिया, टाइम लिमिटेड कर दिया, भाई तुमने एक मखसूस ड्यूरेशन में काम करना है, तो हम कहेंगे कि यार वो एक मखसूस टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं। जो तीसरा शख्स है वो हम बोलेंगे ये बस अपनी मर्जी से काम कर रहा है, सही है। तो टाइम डोमेन से मुराद क्या होती है, किसी खास स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप अपनी स्टडी करते हो, किसी खास स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप कोई काम करते हो। रिफ्लेक्टोमीटर, दो वर्ड्स से मिलकर बना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टो निकला है रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन क्या है, किसी चीज़ का टकरा के वापस आ जाना। ये देखो वही मेरी बात है कि जो मैं थोड़े पहले मैं आपसे क्या कहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, तो रिफ्लेक्टोमीटर में निकला है रिफ्लेक्शन से। मीटर के मायने होते हैं मेजरमेंट करना। तो अब इस पूरे नाम को हम समझते हैं, OTDR ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट को इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस टाइम डोमेन में रहते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती है और आपको मुख्तलिफ मेजरमेंट करके देती है। कौन कौन सी मेजरमेंट कर सकती है OTDR, OTDR की डिवाइस है दैट इज फाइबर की अटेन्यूएशन कितनी है, फाइबर की लेंथ कितनी है, और अगर फाइबर पे कोई कट आया है तो कितने डिस्टेंस के ऊपर कट पड़ा है, कहाँ पे जाके फाइबर ब्रेक हुआ है, लास्ट वन कि भाई यहाँ से लेके कराची तक, कराची से लेके लाहौर तक का फाइबर है तो उसमें कहाँ कहाँ पे बीच में स्प्लाइसिस हैं हुए हैं, कौन कौन से स्प्लाइसिस हैं, मैकेनिकल स्प्लाइस है या फ्यूजन स्प्लाइस है, और कहाँ कहाँ पे बीच में कनेक्टर इस्तेमाल हुए हैं, यानी एक कंप्लीट पिक्चर जो है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल पिक्चर ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक केबल रूट, यानी पूरी एक केबल के जो यहाँ से लेके पूरा लाहौर तक केबल डला हुआ उसकी कंप्लीट पिक्चर आपको प्रोवाइड कर देगा ये। फाइबर ऑप्टिक हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने आपको बता दिया वो उसके जो इसके यूजेज हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि भाई देखो फाइबर जो है आपको पता है कि यार या तो अंडरग्राउंड ले किया जाता है या फिर अंडर सी ले किया जाता है, सही ना। अंडरग्राउंड जहाँ पे आप लगाते हो तो वहाँ पे भी ऐसे आते एक मरता रख के आप मट्टी डाल देते हो उसके ऊपर, फिर क्या होता है जब कभी कट पड़ेगा तो आप पूरा रूट तो चेक कर खोदते नहीं पड़ोगे भाई, कहाँ पे खुदाई करोगे, हर जगह से फाइबर निकालते फिरोगे, तो आप क्या करते हो स्टेशन में बैठ के आप उसी ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टो की मीटर की मदद से आप लोग वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हो, हाँ भाई इतने डिस्टेंस पर जाके वहाँ पर हमने खुदाई करनी है, तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है, आपके रिसोर्सेज भी बच जाते हैं। और इसी तरह अंडर सी के अंदर भी यही काम होता है कि हाँ भाई पूरा समंदर को खंगालने से जरा है, आप क्या करोगे जाके एक मखसूस डिस्टेंस पर अपने शिप भेज दोगे, शिप पहले डिस्टेंस चेक कर लोगे कहाँ पर कट पड़ा है, वहाँ पर शिप भेज के वहाँ पर आकर आप उसको रिपेयर कर लोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट तक समझोगे तकरीबन एग्जैक्ट बिल्कुल डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है ये। अब ये काम किस तरह करता है, यहाँ पे मैंने इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर इसी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है यानी इसके बेसिक वर्किंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आप एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए
OTDR बेसिकली दो ब्लॉक को मुश्तमिल होता है, एक ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन है, और ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं ये रिसीवर सेक्शन है। ये दोनों के दोनों ही OTDR के अंदर होते हैं, सही है। ट्रांसमीटर सेक्शन क्या करता है, ये पल्सेस जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है आपके पास एक LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है उसके पास जाती है। लाइट इमिटिंग डायोड का क्या काम होता है, जब भी कोई पल्स आती है एक लाइट की पल्स निकाल के जनरेट कर देता है, यानी लाइट की पल्सेस जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, वो पल्सेस कहाँ जाती हैं, वो फाइबर ऑप्टिक के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब फाइबर ऑप्टिक में जब ट्रांसमिट होती है तो रास्ते के अंदर कहीं पे भी कोई स्प्लाइस आया, चाहे मैकेनिकल चाहे फ्यूजन स्प्लाइस हो, या रास्ते में कहीं पे भी कोई ब्रेक आया, तो क्या होता है वहाँ से लाइट टकरा के वापस रिटर्न आती है। अब लाइट टकरा के वापस क्यों आती है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वही जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो भी देखना और वो दोनों कॉन्सेप्ट भी चेक करना। अगर वो उनमें से कोई भी आपको कॉन्सेप्ट मिसिंग हो तो मेरे चैनल पे आके वही वर्डिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई है उसको लेके आप वीडियो सर्च कर सकते हो, उन वीडियोस को देख के फिर यहाँ पे आना। ओके, जो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी, जब वापस लाइट आती है तो यही क्या जिस आपने जो ट्रांसमिट किया था उसी पोर्ट से वापस रिटर्न आती है। यहाँ पे लगा होता है फोटो डायोड डिटेक्टर, सही, या फोटो सेंसर जिसे आप कह लेते हो, वो उस पल्स को डिटेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, क्योंकि काफी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करके वापस आए, उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने के बाद वापस सिस्टम को वो दे देता है। अब सिस्टम क्या एनालाइज करता है, सिस्टम के पास एक बहुत ही प्रिसाइज क्लॉक होती है, यानी आप समझ लो घड़ी होती है। सिस्टम चेक करते हैं क्या मैंने उसको इतनी देर पहले भेजा और इतनी देर के बाद ये रिटर्न आई है, तो वो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अब डिस्टेंस कैलकुलेशन करना वो तो आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि यार देखो एक चीज़ की अगर आपको आपको पता है कि लाइट ट्रैवल कितनी किस स्पीड से करती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, सही है, और टाइम आपको पता है कि इतने टाइम पर भेजा था आपने, इतने टाइम में वापस आया, सही। तो फिजिक्स का फॉर्मूला है S=V×T, यानी वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये आपको OTDR में फिजिकली करना नहीं होता, मैं आपको एक बैक एंड की स्टोरी बता रहा हूँ, तो इसका कैलकुलेट करके आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको वो प्रोवाइड कर देता है। इस टाइप का ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को ये जो इतने पल्सेज आ रही है इनको मैं काफी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए वही बात कि रिफ्लेक्शन लाइट टकरा के वापस आती है, इसको हम थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है, लेकिन इस वर्किंग प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। देखिए लाइट का टकरा के वापस आना जो है इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन क्या है, देखो जब कभी भी आप लोग एक तो फाइबर आपने कराची से लाहौर तक का पूरा एक फाइबर न्यू फाइबर डाल दिया, सही है। अब क्या होगा जब आप OTDR कराची वाली साइड पे लगाओगे, लाहौर तक पूरा एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, यानी कोई भी उस पर जर्क नहीं होंगे, सही है, बिल्कुल प्लेन एक लाइन बनेगी आपकी। तो उससे क्या पता चलेगा भाई बीच में ना कोई स्प्लाइस है ना कोई लॉसेज हैं, भाई थोड़ा सा ग्राफ जो आहिस्ता 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 डाउन होता जाएगा, वो क्यों, क्योंकि जैसा जितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता ही जाएगा आपका लाइट का सिग्नल, वो क्या होगा ग्राफ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पावर्स की रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन यही फाइबर अगर समझो कि 2-3 साल या 5-10 साल पुराना हो गया पड़े पड़े, तो क्या होगा जैसे आते इस 5 से 10 साल के अंदर उसमें कोई ना कोई कट आया होगा, सही है, उसको जाके आपकी टीम ने जाके उसको स्प्लाइस किया होगा। अब स्प्लाइस करना ये दो तरीके से करते हैं, अगर सामान पूरा होता है तो क्या करते हैं फ्यूजन स्प्लाइस कर देते हैं, अगर नहीं होता और जल्दी होती है तो क्या करते हैं मैकेनिकल स्प्लाइस कर देते हैं। अब फ्यूजन स्प्लाइस और मैकेनिकल स्प्लाइस में फर्क क्या आता है, जो मैकेनिकल स्प्लाइस होता है उसमें इस टाइप का कनेक्टर होता है, आप क्या करते हो फाइबर कट गया, एक फाइबर छिलके इस साइड से डालोगे, एक फाइबर छिलके इस साइड से डालोगे, दोनों फाइबर सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, सही है, आप ऊपर से कवर से इसको कैप फिल अपना कवर कर दोगे, इसको पैक कर दोगे। इसमें क्या होगा लाइट जितनी भी यहाँ से आ रही है यहाँ से दूसरे फाइबर का एंटर होकर चली जाएगी, लेकिन यहाँ बीच में देखो एयर गैप आ गया, एयर गैप आ गया तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, ये कंडीशन बन जाएगी, एयर गैप आ गया, एक फाइबर दूसरे फाइबर के बीच में एयर गैप आ गया। तो आपने एक फिनोमिना पढ़ा था कि रिफ्रेक्शन के कॉन्सेप्ट पर हमने बात देखी थी कि लाइट जो है जब एक मीडियम से, तो कभी लाइट जो सिंपल जो एक फाइबर में ट्रेवल, किस में ट्रेवल, गिलास में, गिलास होते हैं ना ये कोर जो होता है गिलास का बना हुआ होता है, गिलास में ट्रेवल करती है सीधी सीधी जा रही है, जाते जाते बीच में अगर कोई एयर गैप आ जाए चाहे बिल्कुल माइनर सा हो, मिलीमीटर माइक्रोमीटर नैनोमीटर चाहे बिल्कुल बारीक सा हो, लेकिन ये देखो लाइट के लिए तो मीडियम चेंज हो गया ना, पहले गिलास में ट्रेवल कर रही थी, अब थोड़ा सा उसको एयर में ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर दोबारा गिलास में एंटर होगी। जब लाइट के लिए मीडियम चेंज होगा ना तो लाइट क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद सारी की सारी नहीं होगी, ज्यादातर लाइट तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये जो पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होता है ये सीधा जाता है वापस OTDR को जाके उसको बताता है कि भाई देखो मैं इतनी देर पहले गया था अब मैं वापस आया हूँ,
इतनी दूर से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, हाँ भाई इतनी दूर पे ये एक कनेक्टर जो है मैकेनिकल स्प्लाइस वहाँ पे हुआ हुआ है, सही है। फ्यूजन स्प्लाइस करने ये कहानी नहीं होगी, फ्यूजन स्प्लाइस में ये कहानी क्यों नहीं होगी? या देखो, फ्यूजन स्प्लाइस करने क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो फाइबर ब्रेक हुआ है तो उसको छीलते हो, उसको स्प्लाइसिंग मशीन में रखते हो, और दोनों फाइबर को आमने सामने रखने के बाद उसको इलेक्ट्रिक आर्क यानी बिजली की मदद से उसको इतना हीट अप करते हो कि वो पिघल के आपस में एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इसके इसमें बीच में एयर गैप नहीं आता। तो यहाँ से जितना मैकेनिकल स्प्लाइस करना लाइट रिफ्लेक्ट बैक उतना उतनी यहाँ पे नहीं होती, उतनी बहुत माइनर सी होती है यहाँ पे, सिर्फ एक लॉस यहाँ पे जो है ना, एक तरह से बैक एंड पे रिफ्लेक्शन नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे पावर का लॉस आता है। अब इसमें मैकेनिकल स्प्लाइस के ग्राफ पे कैसे नजर आता है और फ्यूजन स्प्लाइस के ग्राफ पे कैसे नजर आता है, ये थोड़ी देर में आपको भी डिटेल से बताता हूँ मैं। बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फर्क, ये समझ लो, क्योंकि मैकेनिकल स्प्लाइस हो गया या बीच में कोई भी कनेक्टर लगा हुआ होगा, जो कनेक्टर भी आपने फाइबर पे कई मरता बीच में जो है क्या ना अपना स्प्लिटर वगैरह आ जाते हैं, ये सिस्टम आ जाता है वहां पे, क्या करते हो फाइबर एक कनेक्टर पे टर्मिनेट, कनेक्टर को आप कहीं पे भी इन कर देते हो पूरा, वो क्या नाम अपना वो एक क्या कहते हैं उसको, जहन में नाम नहीं आ रहा यार, फाइबर का पूरा बॉक्स, फाइबर बॉक्स बनाओ, तो जंक्शन बॉक्स बनाओ, आप जाके उसको टर्मिनेट कर देते हो, क्लियर है। तो वहां पे चूंकि कनेक्टर लगा हुआ, तो कनेक्टर का भी आपको पता है, गया कनेक्टर जब आप लगाते हो कि तो वहां पे भी एयर गैप बीच में आ जाता है, तो उसमें जब भी मैकेनिकल कनेक्टर बीच में लगता है या मैकेनिकल स्प्लाइस होता है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाती है, जबकि फ्यूजन स्प्लाइस होता है जहां पक्का जॉइंट लग जाता है वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं जाती। अब इन ये दोनों आपको नजर कैसे आते हैं, ये देखो ओटीडीआर में जब ग्राफ बनता है ना, तो उस पर देखिए ये एक वाई एक्सिस होता है और ये एक एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है और वाई एक्सिस पे आपके पास ये पावर कैलकुलेट की जाती है। अब मैं आपसे बात कर दूं कि अगर तो यहां से ले कराची तो बिल्कुल नया फाइबर होता, सही है, तो क्या होता, आप यहां समझो कि ये जीरो पावर है, पावर इंक्रीज आपने एक इस लेवल की इसको यहाँ पे पावर स्टार्ट दी, इतनी हाई पावर आपने उसको दी, अगर कराची से लेकर लाहौर तक फाइबर में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आता तो क्या होता है, लाइन सीधी सीधी बनती है, पूरी सीधी 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 लाइन ये बनती और ये एंड तक आती, पूरा लाहौर तक पहुंच जाती, बात खत्म हो जाती, सही है। अच्छा, ये जो डाउन में यूं कर रहा हूं ये क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि जिस तरह डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा ना तो ये पावर देखो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती चली जाएगी, सही है। लेकिन फिर मैंने बात की कि भाई आपने 5 साल या 10 साल के बाद जब फाइबर को चेक किया तो उसमें देखो बीच में स्प्लाइस हुआ, तो देखो यहाँ पे अब मुख्तलिफ आपकी पीक्स आती हैं, ये जो पीक होती है ये जो इस लाइन के ऊपर जितनी भी पीक आती है इनको हम कहते हैं इवेंट, सही है। अब इवेंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है रिफ्लेक्टिव इवेंट और एक कहलाता है नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट। रिफ्लेक्टिव इवेंट की क्या पहचान है, ये पीक जो बनती है पॉजिटिव पीक जो ऊपर बनती है ना, ये दीज आर द रिफ्लेक्टिव इवेंट, और ये जो है ये देखो ये पीक नहीं बन रही, एक पावर जो है ऐसा ऐसा ड्रॉप होती होते होते अचानक के लिए सडन ड्रॉप हुई, फिर कॉन्स्टेंट में भी चलती रही, ये सडन ड्रॉप जो आता है अचानक ये ड्रॉप जो आता है ये आता है आपका नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट। ये रिफ्लेक्टिव इवेंट किस वजह से होता है, रिफ्लेक्टिव इवेंट हमेशा जब भी होता है ये होता है या तो आपने यहाँ पे मैकेनिकल स्प्लाइस यूज किया नंबर वन, नंबर टू या तो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, नंबर थ्री या यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इवेंट की दूसरी क्या है, या तो फाइबर ब्रेक हुआ हुआ है, क्लियर है। और ये जो इवेंट है यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन नहीं आई, रिफ्लेक्शन की क्या निशानी, रिफ्लेक्टिव इवेंट क्या निशानी थी, ये पॉजिटिव पीक ऊपर आ रही है, यहाँ पॉजिटिव पीक तो ऊपर नहीं आ रही, यहाँ पे सडनली एक आपके पावर में ड्रॉप आया, सही है। तो यहाँ पे जो है इससे आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे स्प्लाइस तो हुआ हुआ है लेकिन ये फ्यूजन स्प्लाइस है, ये मैकेनिकल स्प्लाइस नहीं है। देखो मैकेनिकल स्प्लाइस के अंदर पॉजिटिव पीक भी आई थी और देखो पावर का लेवल ये था यहाँ से ड्रॉप होकर यहाँ पे आया, सही है, दोनों काम हुए, पावर भी ड्रॉप हुई और पॉजिटिव पीक भी आई, जबकि फ्यूजन स्प्लाइस के अंदर सिर्फ पावर ड्रॉप हुई है, एक ये पॉजिटिव पीक नहीं आई, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट कहलाता है, क्लियर है। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा सुन लेना। अच्छा, और ये यहाँ पे तकरीबन सारी बात मैंने कह दी है। अच्छा, लेकिन हाँ दो बातें और, ये स्टार्टिंग में जो पीक आई है नंबर वन और ये लास्ट में जो पीक आई है इसका क्या मतलब है। देखो ये जो लास्ट में जो पीक आई है ना ये शो करते हैं कि भाई फाइबर जो है यहाँ पे आके ब्रेक हो गया है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी पीक आएगी, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इवेंट बना है ये बहुत ज्यादा पावरफुल बना है और इससे शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पावर यहाँ पे आके ड्रॉप होगा, यहाँ से जो है बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन की पीक आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फुल एयर गैप आ गया है यानी फाइबर समझो हवा में पड़ा हुआ है, यहाँ पे जितनी भी लाइट जा रही है सारी रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है, सही है।
सही है। तो यहां से तो ये पता चल गया, ये स्टार्टिंग में जो होती है ना, इसे हम कहते हैं डेड जोन। अब ये डेड जोन के ये स्टार्टिंग ये फर्स्ट पीक होती है, ये डेड जोन कहलाती है। अब डेड जोन क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा हम ग्राफ की मजीद बातें करेंगे। ये देखें OTDR के आपको एक बता दें कि भाई एक OTDR है, ये पूरा फाइबर है, सही है। इस फाइबर के अंदर यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे स्प्लाइस हुआ हुआ, ये फ्यूजन स्प्लाइस है, यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे कनेक्टर है। देखो फाइबर के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करती है और जो वर्टिकल लाइन है आपके पास ये पावर कैलकुलेट करती है। तो देखो आपने यहाँ से इस पावर से आपने इसको लॉन्च किया, लेकिन जो जैसे ही लॉन्च हुआ पावर तो एक हाई पीक आई, उसका ये स्टेबल हो गया। इस हाई पीक को अभी हम थोड़ी देर मैंने क्या कहा था ये डेड जोन है, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे, सही है। अब इसकी बात नहीं कर रहे, समझो इस लेवल से हमने पावर को लॉन्च किया तो पावर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हुई, क्योंकि जिस तरह डिस्टेंस आगे बढ़ता जा रहा है पावर भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जा रही है। लेकिन अचानक देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव पीक आई, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ, उसके बाद देखो सेकंड पॉजिटिव पीक आई, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कनेक्टर लगा हुआ है, इसका थर्ड पॉजिटिव पीक आई, इसका मतलब यहाँ पे भी कनेक्टर लगा हुआ है, उसका फाइबर बिल्कुल सीधा चल रहा है, एक मखसूस डिस्टेंस ने हॉरिजॉन्टल साइड पे से डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन पावर क्या होगी ऐसा ऐसा रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पावर रिड्यूस होती चली जाएगी। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे ये अपना फ्यूजन स्प्लाइस आया तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक नहीं गई, यहाँ पे एक खाली वोल्टेज पावर में ड्रॉप आया, ये बाकी सबके अंदर क्या था पॉजिटिव पीक भी जा रही थी और पावर में ड्रॉप भी आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव पीक नहीं गई, यहाँ सिर्फ पावर में ड्रॉप आया। इससे पता क्या चला है, यहाँ पे स्प्लाइस तो है लेकिन यहाँ पे फ्यूजन स्प्लाइस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट नहीं आ रही है। फिर मजीद आगे गए, डिस्टेंस जितना बढ़ता चले गया पावर ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो पावर का अटेन्यूएट होना ये नॉर्मल है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ जो है आपके फाइबर के अंदर लाइट जो है अटेन्यूएट होती है। अच्छा आप आगे बढ़ते गए करते गए, देखिए यहाँ पे देखें दोबारा दो कनेक्टर आ गए तो दोबारा ये पॉजिटिव पीक आई, पे एक एंड ऐसा आ गया यहाँ पूरा फाइबर सिस्टम पे एंड में पूरा पहुंच के टर्मिनेट हो गया, सही है। ये इसमें आपने पूरा फाइबर की स्टडी कर ली, इन एक्चुअल जो है आपके पास इस टाइप का ग्राफ आपको नजर आता है। इसमें भी वही देखो आपके पास पहले वाले के मैं अभी तक डेड जोन को डिस्कस कर ही नहीं रहा, समझो आपने इस जगह से पावर आपने लॉन्च की, ये देखो एक आया, देख के समझ जाओ क्या यहाँ पे जो है या तो कनेक्टर है नंबर वन, या फिर यहाँ पे जो है मैकेनिकल स्प्लाइस है। फिर अब वो तो फिर आपकी टीम को पता होगा ना कि हमने इस मैकेनिकल स्प्लाइस लगाया या कनेक्टर लगाया, वो तो आपको अपनी टीम के रिकॉर्ड में होता है सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़े देखो यहाँ पर चला है, यहाँ पे जो फ्यूजन स्प्लाइस है, फिर आगे गए यहाँ पे कनेक्टर है या फिर क्या नाम है अपना मैकेनिकल स्प्लाइस है, फिर आगे गए यहाँ पे फ्यूजन स्प्लाइस है, फिर आगे गए या कनेक्टर है मैकेनिकल स्प्लाइस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक हाई पीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइबर ब्रेक हो गया। अब आप समझ लो एक खाना जो 10 किलोमीटर का, तो आप अंदाज लगा सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, समझो कि आप 67 या 68 किलोमीटर के बाद जो है आपका फाइबर ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत ही हाई लेवल की आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट वापस आ रही है। तो इस आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे जाके आपका ये फाइबर ब्रेक हुआ है। अब मैं बात करूं डेड जोन की, इतनी देर से जो है मैं आपके पास ये जो पॉजिटिव पीक है इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था ये डेड जोन है, उसको स्टडी में बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं डेड जोन के ऊपर। देखो डेड जोन असल में होता क्या है, हम बात करते हैं कराची से लेके लाहौर तक की पूरी एक फाइबर थी, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, आई थिंक 1000 के करीब होगा शायद, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन समझो 1000 भी समझ लो तो बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है आपके पास, क्लियर है। अच्छा इतना बड़ा जो डिस्टेंस है आपके पास इस पूरे फाइबर को यहाँ से लेके, आपको पता है कि हर डिस्टेंस के बाद लाइट आहिस्ता आहिस्ता अटेनुएट होती जाती, कोई बीच में कनेक्टर ना भी, लाइट ने फिर भी अटेनुएट होना ही होना है, सही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इतनी ज़्यादा पावर भेजनी है कि वो यहाँ से लेके लाहौर तक जाए पावर, कोई अगर बीच में कोई हो तो वापस रिटर्न भी आ जाए। अगर आप हल्की सी पावर लॉन्च करोगे ऑप्टिकल फाइबर से तो क्या होगा, वो फाइबर अटेंडेंट होती जो है पता चला कराची से लेकर वो सिंध का बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया, लाइट सारी खत्म हो गई, आपका फाइबर पूरा चेक ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ता है, OTDR से हाई पावर की लाइट आपने लॉन्च करनी पड़ती है, सेंड करनी पड़ती है आपको। जब आप हाई पावर की लाइट सेंड कर रहे हो, ये समझो ये OTDR है, हाई पावर की लाइट सेंड कर रहे हो यहाँ से निकल रही है, तो भैया आप ये देखो कि यार OTDR से निकलते के साथ ही पहला कनेक्टर आ गया, सही है। अब कनेक्टर OTDR के दरमियान में जो है ये कनेक्टर जब आप लगाते हो और यहाँ से जो OTDR पावर आ रही है बीच में भी एयर गैप आता है, तो यहाँ से हाई वैल्यू की रिफ्लेक्शन बैक होती है वहीं से OTDR से अंदर।
तो OTDR के लिए जो इतनी रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट आती है और वही रिफ्लेक्शन कुछ असरात इसके आगे केबल में भी आते हैं। सही है, तो ये जो OTDR से जो इनिशियल पहले पॉइंट पे टर्मिनल पे जो रिफ्लेक्शन होती है ना, उसका इफेक्ट ये होता है कि यार तकरीबन अबाउट, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, तकरीबन अप टू 500 मीटर तक, यानी इतनी लंबी केबल तक का एरिया आपको बिल्कुल डेड हो जाता, आपको सही नहीं आता यहाँ पे हो क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें, जिस तरह ये देखें, एक हाई पीक आई, आपने पावर यहां से लॉन्च की, इतनी तक इस लेवल की पावर लॉन्च की, लेकिन एक हाई पीक आई, रिफ्लेक्शन बैक आई, तो और ये रिफ्लेक्शन बैक काफी देर तक इसके ऊपर रहेगी। अगर तो ये एक्चुअल फाइबर होता, अगर मैं क्या करता, इस फाइबर को डायरेक्ट, जो ये एक्चुअल फाइबर यहां से स्टार्ट है, इसको डायरेक्ट उठा के मैं यहां लगा देता, तो अगर यहां पे कोई कट आया हुआ होता तो मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसी कनेक्टर की वजह से इतने बड़ा हाई रिफ्लेक्शन बैक आ रहा है कि ये फाइबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे सामने मेरी नजरों से ओझल हो जाता, मेरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाता, ये सही ना, गायब हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके फाइबर, जो एक्चुअल फाइबर उसके स्टार्टिंग तक, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केबल लगाते हैं बीच में। उस समय फायदा क्या होता है, उस समय फायदा ये होता है कि यार यहाँ से जितनी पावर आप लॉन्च कर रहे हो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट, जो पूरा एक हाई पीक आती है ना, वो एक आपका एक एक स्पेसिफिक पोर्शन 400 मीटर का फाइबर या 500 मीटर का फाइबर जो है उसकी रीडिंग आप ले ही नहीं सकते, ये वो आपकी नजरों से गायब हो जाता है। तो आप क्या करते हो, उस पूरे पोर्शन के लिए आप एक्स्ट्रा केबल अपने पास लगा देते हो, एक न्यू केबल आप लगाते हो, उस केबल को हम कहते हैं लॉन्च केबल। लॉन्च केबल होती किस वजह से, ये जो डेड जोन आता है ना, इसको कवर करने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें 500 मीटर का डेड जोन है, उसके अंदर हम कोई टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, हमने 500 मीटर की केबल खुद से लगा दी, क्योंकि उसके बाद हमें पता है डेड जोन खत्म हो गया और वो आगे चेक कर पाएगा, तो वहां से जो एक्चुअल केबल फिर स्टार्ट हुई है। सही है, तो ये जिस तरह हम लोग, ये फाइबर है, हमें टेस्टिंग यहाँ से करनी है, हम चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट फाइबर्स को ली, हमने बीच में पहले OTDR लॉन्च केबल लगाया। लॉन्च केबल क्या हुआ, ये पूरा जो हाई पीक आई थी ना, ये खास डिस्टेंस तक, ये यहाँ तक, हमें पता है कि ये डिस्टेंस तो हमारे अपने इसी लोकल फाइबर का है, इसमें तो कोई फॉल्ट हो नहीं सकता। हाँ, जो इसके बाद लाइट स्टेबल हो गई है। सही है, अब जो रिफ्लेक्शन आ रही है, अब जो मसले मसाइल आ रहे हैं, दीज आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। सही, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। यानी डेड जोन वो होता है जो इनिशियली आपके हाई पावर के लॉन्च करने की वजह से इनिशियल पहले टर्मिनेशन पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं डेड जोन, और इसको कवर करने के लिए आप लोग जो है लॉन्च केबल का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरा स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एक मतलब डिटेल में लाजमी पढ़ लेना, ये सारा लॉन्च केबल का सेटअप है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक के बारे में, सॉरी, अपना OTDR के बारे में बताया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस किया है, प्लस और क्या नाम, अपना डेड जोन पर मैं बात करी। वीडियो पसंद आई है तो आप देखें, यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर दिएगा और वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और फिर बराबर बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी क्लिक कर दिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।